अस्सलाम वालेकुम राजी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम आपके साथ साथ अपनी रिसर्च की हुई आजमोता वीडियो शेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स और लाइक्स करें। सवाल और जवाब के लिए कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ आपके काफ़ी काम आएंगे। हाजरीन, आपको हमारे चैनल में हर किस्म के पुराने रजाई और तब के नुस्खे मिलेंगे। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके वजीफे हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये तारीख इंसानियत की एक ताबींदा हकीकत है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में खुद को अपने साहबजादे को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हुए देखा और इस अमल को अल्लाह की रजा तस्लीम करते हुए ख्वाब को हकीकत में बदलने का फैसला किया, तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी अपने अल्लाह की रजामंदी के सामने सरे तस्लीम खम करते हुए खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। और इस मौका पर अल्लाह ने अपने दोस्त के इस अमल से खुश होकर ये फरमाते हुए एक दुम्बा भेजा कि ऐ इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने अपने नबी की इस सुन्नत को जिंदा कर रखा है और हर साल 10 से 13 जिलहज मुसलमानों ने आलम बकर ईद के मौका पर लातादाद जानवरों को कुर्बान करके इसी सुन्नत यानी कुर्बानी का इयादा करते हैं। इसी जिमन में कुरान पाक की सूरत साफात में अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर जब वो फरजंद इनके साथ दौड़ धूप करने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फरजंद ने जवाब दिया कि बाबा, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया और हमने आवाज दी कि ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, हम इसी तरह हुस्ने अमल वालों को जजा देते हैं। बेशक ये बड़ा खुला इम्तिहान है और हमने इसका बदला एक अजीम कुर्बानी को करार दे दिया है और इसका तज़किरा आखिरी दौर तक बाकी रहेगा। सलाम हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हम इसी तरह हुस्ने अमल वालों को जजा दिया करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुर्बानी की बहुत सारी हिकमतें हैं, इनमें से अहम तकवा और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। इसलिए कुर्बानी करने वालों को अपनी खालिस नीयत और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत अल हज में अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त या खून हरगिज नहीं पहुँचता बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। कुर्बानी के जानवर लेते वक्त चंद बातों का ख्याल रखें। जिस जानवर के बारे में गालिब गुमान हो कि ये चोरी का है, इसे हरगिज न खरीदें। खरीदारी के दौरान झूठ और झूठी कस्मों से बचें। दूसरे मुसलमान भाई का सौदा तय हो चुका हो तो इसका सौदा खराब हरगिज मत करें। खरीदारी से पहले जानवर को खूब अच्छी तरह से देख लें, खुसूसन इन चंद चीजों का जरूर लिहाज रखें। गाय की उम्र 2 साल से कम न हो, ऊंट की 5 साल से और बकरी की 1 साल से कम उम्र ना हो। दुम्बा भेड़ 6 माह या इससे ज्यादा का हो लेकिन देखने में साल के बराबर मालूम होता हो, यानी कमजोर ना हो। गाय, ऊंट और बकरी में ये मसला नहीं है, इनकी उम्र पूरी होना जरूरी है। जानवर के कान, जुबान, दुम और इन अज़ा में से कोई भी अज़ू निसब से ज्यादा कटा हुआ ना हो, अंधा या काना ना हो, सींग इस कदर टूटे हुए ना हो कि टूटने का असर दिमाग तक पहुंचा हो, वरना कुर्बानी नहीं होगी। जानबूझकर हमला जानवर को खरीदकर कुर्बानी करना मकरूह है।
ایسا جانور جو چارہ نہ کھا سکتا ہو یا چل ہی نہ سکتا ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ جنگلی نسل کے جانور کی قربانی درست نہیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس کی خوب خدمت کریں، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، ایسی جگہ باندھیں جہاں آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی کے جانور کے گلے میں گھنٹی وغیرہ نہ ڈالیں، اس پر سواری نہ کریں اور نہ ہی اس کا دودھ خود پیئیں۔ اگر دودھ نکال لیا ہو تو اس کا صدقہ کر دیں۔ قربانی کے جانور سے نکالے گئے دودھ کی قیمت غریبوں کو صدقہ کر دے تو خود پینا جائز ہے۔ جانور کی نمود و نمائش کا اظہار ہرگز مت کریں، جو کہ آج کل کا فیشن بن چکا ہے۔ اگر حصہ داری میں قربانی کر رہے ہیں تو حصہ داروں کو تمام معاملات میں ساتھ لے کر چلیں۔ یہاں پر ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی پیغام ہے۔ ہندوستان میں گائے کو ذبح کرنے پر پابندی ہے اور پکڑے جانے پر سخت سزا بھی ہے، بلکہ آج کل تو گائے کے نام پر مسلمانوں کو ہندوستان میں کافی پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس الزام میں مسلمانوں کو قتل کر دینا عام سی بات ہو گئی ہے۔ گائے اللہ تعالی کی طرف سے حلال ہے اور اس کی قربانی کرنا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے جہاں گائے کی قربانی سے کوئی فتنہ نہیں وہاں بلا حرج اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جہاں اس کی قربانی سے فتنہ، ہنگامہ اور قتل کی نوبت آنے کا خدشہ ہو، وہاں اس کی قربانی سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔